नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। जो कक्षा दसवीं की हमारी सीरीज चल रही थी उसका अध्याय आठवां करेंगे। तो त्रिकोणमिति के परिचय में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, ट्री का मतलब क्या होता है, तीन, और गोनो, इस GONO गोनो को देखें तो ये क्या होता है, भुजा, और मेट्री का मतलब क्या होता है, माप। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, त्रिकोणमिति तीन भुजाओं का माप होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कोई बिल्डिंग को ऐसे देख रहे हैं तो हम देख के ही उसका पता लगा सकें, कुछ एक चीजें उसमें ऐड करके कि वो कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, बिना किसी चीज के हम मेजरमेंट किए सीधा पता लगा सकें, वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत दसवीं तक तो हमारे इतनी हम देखेंगे, समकोण त्रिभुज देखेंगे, उसमें भुजाएं निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, सब चीजें निकालेंगे। तो इसमें एक क्या आती है, समकोण त्रिभुज का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसमें समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, आपको पता ही होगा, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। यह क्या है, समकोण त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, करण कहलाती है। और हमारे पास जैसे इसको नाम दे दो ABC, ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है हमारे पास। और किस कोण की बात चल रही है, जैसे सी कोण की बात चल रही है, सी कोण हमने थीटा ले लिया कोई, तो सी कोण की अगर बात चल रही है, इस जिस कोण की बात चल रही है उसके समक्ष जो भुजा है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और बाकी जो भुजा बच गई एक, वो आधार होगी अपनी। ऐसे ही अगर हम देखें इस कोण की बात करें, एक और ट्रायंगल बनाता हूं अलग से, 90 डिग्री का हमारा ये हो ही गया, 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा तो करण होगी। और अब यहां पे अगर इस कोण की, ए कोण की बात चल रही है हमारी, तो ए कोण के समक्ष जो भुजा है वो हमारी लंब कहलाएगी। अब ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और बच गई वो भुजा क्या कहलाएगी, आधार। ये हमारी समकोण त्रिभुज होती है, इसको लेकर हम सवाल करेंगे। आगे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कई, वो देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। इनके साथ एंगल का यूज होता है, एंगल चाहे कुछ ले लो, ए ले लो, जैसे समकोण त्रिभुज थी हमारी, अगर यहाँ पे ABC ये त्रिभुज है और इस कोण की बात चल रही है तो कोण हमारा क्या है, सी। अगर कोण को कोई नाम दिया गया है, जैसे इसको थीटा, कई जगह यूज होता है थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। अगर इस कोण की बात चल रही है तो आप सी कोण भी लिख सकते हो, और थीटा कोण अगर कोई कोण का नाम दिया हो, जैसे थीटा कोण दिया, तो सभी के साथ ऐसे थीटा लगा सकते हो, ये एंगल इनके साथ होता है। और इनको एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं तो सिंपली ये तरीका यूज करता हूं, जैसे लाल बटे कक्का, ये याद रखने का तरीका मैं तो यूज करता हूँ। बहुत से और टीचर हैं जो अलग अलग तरीके यूज करते हैं, मेरा आसान सा तरीका यही है। तो क्या है, ये क्या होता है, L का मतलब लंब, L का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लंब था हमारा, ये आधार था और ये करण। तो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब करण, ये है हमारा। तो साइन क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, लंब बटे करण। कोस क्या होता है, आधार बटे करण। और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। और इनकी बात करें तो इनके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो ये लंब बटे करण था, तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट क्या हो जाएगा, करण बटे लंब हो जाएगा। और सीकेंट क्या हो जाएगा, ये कोस का उल्टा होता है, कोस क्या था, आधार बटे करण, तो ये हो जाएगा करण बटे आधार। और कोट की बात करें तो वो होता है टेन का उल्टा, तो कोट क्या हो जाएगा हमारा, ये टेन क्या था, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ऐसे होते हैं, ये इधर से चलते हैं ऐसे, साइन बटे, ये साइन की वैल्यू है, फिर कोस की, फिर टेन की, और ऐसे इनको उल्टा कर दें तो वो क्या आ जाती है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू आ जाती है।
ये हमारी वैल्यू थी। कुछ एक फॉर्मूले होते हैं वो और देख लेते हैं, और बाकी जो जो साथ साथ फॉर्मूले आएंगे वो देखेंगे। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखने वाला फॉर्मूला, ये साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर क्या होता है, एक के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसी से दो फॉर्मूले और बनेंगे। जैसे हमें अगर निकालने को बोल दे साइन निकालना है, साइन स्केयर थीटा निकालो, तो क्या करोगे, ये कोस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, साइन इधर पड़ा रहेगा, कोस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कोस स्केयर थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें कोस स्केयर थीटा निकालने को बोल दें तो कोस स्केयर थीटा क्या होगा, एक माइनस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही दो और फॉर्मूले हैं, कौन सा है, वन प्लस टेन स्केयर थीटा बराबर क्या होता है सेकेंड स्केयर थीटा के। अगर इसको हम देखें, इसके और दो बनते हैं, क्या बनते हैं, अगर हमें सेकेंड तो निकल जाएगा वन प्लस टेन स्केयर थीटा से, अगर हमें टेन निकालना हो, टेन स्केयर थीटा अगर निकालना हो तो वो क्या होता है सेकेंड स्केयर थीटा, और ये एक उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगा सेकेंड स्केयर थीटा माइनस में ये टेन, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस टेन स्केयर थीटा। एक और होता है वो और लिख लेते हैं, एक प्लस कोट स्केयर थीटा बराबर किसके होता है कोसिकेंट स्केयर थीटा के। अगर यहाँ पे अगर कोट की वैल्यू निकालनी हो तो एक उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस एक। अगर एक की निकालनी हो तो ये कोट उधर जाके माइनस हो जाएगा, कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस में कोट स्केयर थीटा। ये नौ फॉर्मूले बनते हैं हमारे, तीन ये और तीन ये और तीन ये, इनका यूज बहुत ज्यादा यूज आता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम करेंगे ना आगे एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली, तो उनमें इनका बहुत सा यूज आता है। एक हमने इस त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके, अगर नोट करना चाहो तो। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर फॉर्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है त्रिकोणमिति। सभी को वहम होता है कि ये बहुत हार्ड है, वो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और मैं करवाऊंगा मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं स्टेप करवाता जाऊं वो फॉलो करते जाना, और ये तो आपके उंगलियों पे होगी त्रिकोणमिति, कुछ नहीं है इसमें। अब समकोण त्रिभुज पे द्वारा आते हैं, समकोण त्रिभुज पे लगता है पाइथागोरस प्रमेय, एक होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है कर्ण स्केयर बराबर में आधार स्केयर प्लस में लंब का स्केयर, ये फॉर्मूला कर लो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय कह लो, ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। अगर हमें इसमें क्या हो, समकोण त्रिभुज जो हमें दी हुई है उसमें हमें लंब दिया हो और आधार दिया हो, हमें कर्ण ना दिया हो, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कर्ण स्केयर बराबर क्या होगा आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर, इसको सॉल्व करके हम कर्ण के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर आधार की वैल्यू हमें निकालनी हो, जैसे आधार निकालना हो और लंब और हमें कर्ण दिया हो, तो क्या करोगे आधार स्केयर बराबर किसके हो जाएगा, ये लंब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कर्ण का स्केयर माइनस में लंब का स्केयर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें लंब की वैल्यू निकालनी हो, लंब की निकालनी हो और ये दो दी हो, तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्केयर बराबर हो जाएगा कर्ण स्केयर माइनस में आधार स्केयर। कर्ण हमेशा प्लस का रहेगा, ये दोनों माइनस के होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। बस इतना बेसिक पार्ट था लगभग, बाकी आगे जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वैसे वैसे करवाता जाऊंगा। बिना किसी देरी के साथ आप प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर एक है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे सामने 8.1 प्रश्नावली का, त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण हमें क्या दिया हुआ है समकोण। हमें सबसे पहले क्या बनानी है, इतना काम करते हैं हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसका बी कोण क्या है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है।
बी समकोण हो गया। अब हम बात करते हैं ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी हमें कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। बी समकोण दिया हुआ है, सी को यहां पे रख लो, ए को यहां पे रख लो। किस कोण के समक्ष बात करो, पहले ए कोण के समक्ष बात कर लो आप। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन सी हमारी, ये वाली, ये हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और बी सी हमें कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारी समकोण त्रिभुज में कौन सी है, ये वाली बी सी कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जो हमें ये दिए हुए हैं इनके मान ज्ञात करने हैं। क्या निकालना है, साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से कर्ण नहीं दिया हुआ, हमें कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला मैंने करवाया था परिचय में, क्या था, कर्ण स्केयर बराबर आधार का स्केयर प्लस में लंब का स्केयर। तो हम कर्ण निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। हमें क्या दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया हुआ है प्लस में 7 सेंटीमीटर। 24 का स्केयर करेंगे कितना होगा 576, प्लस में 7 का स्केयर करेंगे कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा, ये 625। और ये इधर क्या था, कर्ण स्केयर था, करण का क्या था, स्केयर था, करण का बर्ग था। तो अगर ये बर्ग दूसरी तरफ मैं लेके जाऊं तो इधर आके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्गमूल। ठीक है, अब 625 का बर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, करण कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर करण आ गया। अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यू, हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और क्या है, करण भी है। तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालते हैं और साइन सी कोस सी की निकालते हैं। सबसे पहले पहले की बात करते हैं हम, इसकी क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए ये निकालना है। मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, लाल बटे कक्का। तो इससे देख लो, अब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे करण। साइन क्या होता है, लंब बटे करण, और कोस क्या होता है, आधार बटे करण। अब ए कोण की बात चल रही है हमारी, तो ए कोण क्या है, यहाँ पे होना चाहिए, इस कोण की बात चल रही है। तो इसके समक्ष जो कोण है वो क्या होगा, लंब होगा। ए की बात चल रही है कोण की यहाँ पे, तो ए के समक्ष कोण जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो हम इससे इसको लंब लेके और इसको आधार लेके हम बात करेंगे इसमें। तो लंब बटे करण, तो लंब क्या है हमारा 7 और करण कितना है 25। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे हम कोस ए की वैल्यू निकाल देंगे, और कोस ए ए के समक्ष बात चल रही है, तो आधार क्या होगा, ये वाला, और लंब क्या होगा, ये वाला। तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर और करण कितना है 25। तो ये हमारी कोस ए की वैल्यू आ गई। दूसरा पार्ट इसका देखें, दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, साइन सी बराबर किसके होता है, लंब बटे करण के, और कोस सी किसके बराबर होता है, आधार बटे करण के। अब हमें कौन से, इस कोण की बात चलनी है, इस कोण के समक्ष सी कोण की बात चल रही है यहाँ पे, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी बात चल रही है, तो हमारा ये कोण है, और इसके कोण, इस कोण के समक्ष जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। ये वाली भुजा लंब कहलाएगी, और जो बच गई करण, तो हमारा यही रहेगा हमेशा, करण तो यही है, और लंब क्या हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा बच गया जो आधार। तो अब इसको लंब और इसको आधार लेके चलेंगे। तो लंब की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और करण की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस सी की वैल्यू। कोस सी की क्या है, आधार, आधार कितना है, ये वाला नहीं है, ये वाला आधार है हमारा, कितना 7, और करण कितना है 25 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे एंगल में दिक्कत आती है, जिस एंगल के समक्ष बात चल रही हो, जिस एंगल की बात चल रही हो उसके समक्ष वाली जो भुजा हो, उसके सामने वाली जो भुजा हो, उसको बस आपने क्या करना है, लंब मानना है। अगर ए कोण की बात चल रही है, उसके सामने जो भुजा है उसको लंब मानना है बस। अब सी की चल रही तो इसको लंब मान लिया। ऐसे नहीं देखना कि नीचे वाला, आप कहोगे सर नीचे वाला ये तो आधार ही होता है हमेशा, हमें कोण के अकॉर्डिंग बात लेकर चलनी है। नीचे वाला ऐसे नहीं देखना भी, नीचे वाला आधार होता है, लंब भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं होता लगभग। ट्रायंगल को आप ऐसे देखो, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा दूं, कोई फर्क पड़ेगा।
अगर मैं सी को यहाँ पे लिख दूं, ए को यहाँ पे लिख दूं और बी हमारा समकोण रहता ही है, तो कर्ण क्या हो गया ये, तो ए सी हमारी कितनी थी 25 सेंटीमीटर और बी सी, अब ये वाली भुजा नीचे आ गई, बी सी कितनी थी 7 सेंटीमीटर और ए बी कितनी थी 24 सेंटीमीटर, क्या बन गया। अब तो आपको लंब दिखाई दे रहा होगा, आपको हो ये लंब नहीं है, अब तो लंब है। अब देख लो अगर अलग अलग ट्रायंगल बना के करना है तो भी कर सकते हो, अगर इसी ट्रायंगल में करना है तो भी कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, तो क्वेश्चन दो है हमारे सामने, आकृति में जो आकृति हमें दी हुई है उसमें क्या है, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में करना है हमें क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, आधार निकाल लेंगे। पहले फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, क्या फॉर्मूला होता है, आधार का स्केयर बराबर में कर्ण का स्केयर माइनस लंब का स्केयर। आधार में निकालना है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्केयर कर देंगे माइनस लंब कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्केयर कर देंगे। 13 का स्केयर कितना होता है 169, 169 और 12 का 144, इन दोनों को घटाएंगे क्या आएगा 25। सेंटीमीटर की बात चल रही थी तो सेंटीमीटर लगा देंगे इसके साथ, अभी ये निकला नहीं है, हमारे पास इधर क्या था, आधार का स्केयर था। मेरी तरह कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं और 25 लिख के इसको सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर इसका आंसर नहीं आता, तो क्या है यहाँ पे इसका स्केयर जो उधर जाके क्या बनेगा, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब ये आया हमारा क्या है, आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे टेन पी और कोट आर निकाल देंगे, तो टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले टेन पी निकालना है और कोट आर भी हमें निकालना है, वही यूज करेंगे लाल बटे कक्का का। टेन क्या होता है, टेन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लंब बटे आधार, और कोट की क्या होती है, टेन का उल्टा ही होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। अब एंगल का यूज करके फिर देखेंगे हम, अब एंगल यहाँ पे क्या है P, तो P एंगल के समक्ष बात करनी है हमें, P एंगल की बात करनी है, तो इसके समक्ष जो भुजा है, सामने भुजा है, ये क्या होगी लंब, इसके सामने तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता ही है और जो बच गई वो क्या है आधार। तो इन वैल्यू से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे टेन पी की, हमें क्या चाहिए लंब, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर 5, और क्या चाहिए आधार, आधार कितना है 12, इस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम एंगल आर की बात करें, अब इसमें आर की बात करेंगे तो अब हमारा ये वाला आर के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। अब आधार की वैल्यू देखो कितनी है इसमें 5, और लंब की वैल्यू कितनी है 12, ये हमारी आ गई टेन पी और कोट आर की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, टेन पी माइनस कोट आर निकालना था, तो यहां पे लिख लेता हूं टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5/12, माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आई है 5/12, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये सवाल इतना ही था, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अब आगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, क्या है, यदि साइन 3/4 तो हमें कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित करना है, इनका मान निकालना है हमें, कोस ए का किसका निकालना है, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। क्या करना है, साइन ए, साइन के बराबर हमें 3/4 दिया हो, वैसे क्या होता है साइन के बराबर, जैसे लाल बटे कक्का में हम बात करते हैं, तो साइन ए साइन के बराबर क्या होता है लंब बटे करण, तो इसके बराबर क्या है साइन के बराबर लंब बटे करण, यानी कि लंब हमारा कितना है 3 और करण हमें कितना दिया हुआ है 4। त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज बना ली, नाम दे दो किसके अकॉर्डिंग, ये एंगल दिया हुआ है ए ए ए, ए एंगल की बात चल रही है तो ए एंगल यहां पे रख लो, और बी सी हमें नहीं दिखाया गया तो बी सी एंगल बी समकोण ले लो और सी यहां पे ले लो, बी समकोण लिया तो ये कितना होगा 90 डिग्री, इसके सामने क्या होगा करण, तो यहां से करण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ए एंगल की बात चल रही है, इसके सामने जो भुजा है वो हम लंब लेके चलेंगे,
हमें कोई इकाई नहीं दी हुई तो इनको इकाई लिख सकते हो, ऐसे इकाई लगा सकते हो, इसको भी इकाई लिख सकते हो। अब हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमें निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है तो आधार का फॉर्मूला लगा देंगे, आधार का स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, चार, चार का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब की वैल्यू कितनी है, तीन, इसका स्क्वायर कर देंगे, चार का स्क्वायर कितना होगा, सोलह, और तीन का नौ, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सात। इधर क्या है, आधार का स्क्वायर था हमारे पास, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया आधार, कितना, अनरूट सात। कुछ इकाई नहीं दी हुई तो इसको इकाई लिख सकते हो, इसको भी। अब हमें निकालना क्या है, कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण के, और टेन ए बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के। ए एंगल की बात चल रही है तो ए यहां पे रख के इसके सामने क्या है, लंब, इसको लंब लेके चलना, ये कर्ण और ये आधार हो गया। तो हमें आधार की वैल्यू चाहिए, वो कितनी है, वर्गमूल सात, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, चार। ये हमारा कोस ए की वैल्यू आ गई, और टेन की वैल्यू निकालेंगे, लंब, लंब कितना है, तीन, और आधार कितना है, वर्गमूल सात। ये आ गई टेन ए की वैल्यू, हमें ये निकालनी थी कोस की वैल्यू, और टेन की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चार करते हैं अब आगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। यदि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ये 15 इसके साथ क्या है, गुणा में है, तो इधर आके क्या होगा, दूसरी तरफ आके बराबर से भाग हो जाएगा। कोट ए 8 पहले था, 15 इधर आके क्या हो गया, भाग, तो 15 भाग हो गया। कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 बटे 15 वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना ली, 90 डिग्री का कोण हो गया, ए एंगल की यहाँ पे, इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे अगर सी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, पहले हमें वैल्यू कोट ए की दी हुई है तो ए एंगल हम यहाँ पे लेंगे, बी समकोण मान लो और किसी की बात नहीं चल रही तो सी यहाँ पे लिख लो। तो 90 डिग्री ये कर्ण हो गया, कर्ण कोट की वैल्यू क्या होती है, लाल बटा कक्का से देख लो, कोट ए की वैल्यू क्या होगी, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो आधार बटे लंब, कोट ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा 8, लंब कितना है 15, कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब कितना है 15, 15 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होगा 64, प्लस 15 का वर्ग कितना होगा 225, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 549628, 289। इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, वर्गमूल, 289 का वर्गमूल करेंगे तो वो क्या होगा 17, तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 17। अब 17 आ गई, कर्ण आ गया हमारे पास, लंब आ गया और आधार आ गया, निकालना क्या है, साइन सेकेंट, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, ए कोण ये है, इसके समक्ष जो भुजा है वो लंब होगी तो ये लंब है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है ये 15 और कर्ण कितना है 17। ये आ गई साइन ए की वैल्यू। अब निकालनी है सेकेंट ए की वैल्यू, सेकेंट ए की, सेकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आधार बटे कर्ण, तो सेकेंट की क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, ए की बात चल रही है तो लंब यही रहेगा आधार ये रहेगा, तो हमारे कर्ण, कर्ण क्या है 17 और आधार चाहिए तो आधार है 8। ये हमारा आंसर आ गया, सेकेंट और साइन की वैल्यू हमने निकाल दी। ये क्वेश्चन नंबर चार कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर पांच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पांच करते हैं, क्या दिया, यदि सेकेंट थीटा बराबर 13/12 दिया हो तो
तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, प्रकलित करने हैं। तो हमें सीकेंट बराबर, वैसे सीकेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का से देख लो अगर नहीं पता तो। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो करण बटे आधार हो जाएगी, करण बटे आधार। तो करण कितना हो गया हमारा सीकेंट के बराबर, दिया क्या था 13/12, करण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। त्रिभुज बना लेते हैं समझाने के लिए, त्रिभुज बना ली, 90 डिग्री का कोण बना लिया, ये करण हो गया, करण की वैल्यू हमें दी हुई है 13। इस एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा, तो इसको थीटा नाम दे देंगे। त्रिभुज का हमारे पास कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो त्रिभुज अपने हिसाब से ए बी सी नाम रख लो। थीटा दिया हुआ, इसके सामने क्या है, ये हमें लंब दिया हुआ है, ये लंब है और ये आधार है, आधार हमें वैल्यू दी हुई है कितनी 12। अब हम लंब की वैल्यू निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, करण का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग। करण का वर्ग कितना होगा 13 का वर्ग कर देंगे माइनस आधार कितना है 12 का वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का 144, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25 ही आएगा, 9 में से 4 गए, ठीक है। अब ये 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा, किसकी वैल्यू, लंब स्केयर की, ये स्केयर उधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, इतना ही आता है लंब, तो लंब आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं हुआ तो सेंटीमीटर नहीं लगा सकते, यहाँ पे इकाई लगा लो, इकाई लिख दो सबके साथ। तो सारी तीनों वैल्यू आ गई, लंबा आ गया, करण आ गया, आधार आ गया। अब हमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, सारे के सारे निकालने हैं, सीकेंट दिया हुआ है, बाकी सारे बच गए, जो कौन कौन से बच गए, साइन थीटा, थीटा एंगल की बात चल रही है, थीटा लेके चलूंगा, वो क्या होता है लंब बटे करण, कोस थीटा वो क्या होता है आधार बटे करण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, वो क्या होगा करण बटे लंब हो जाएगा, और इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा, जिसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 13/12, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम निकालेंगे थीटा, थीटा की बात चल रही है, ये वाली त्रिभुज लेके चलेंगे, लंब कितना हो जाएगा 5 दिया है और करण कितना है 13, कोस थीटा की बात करेंगे तो आधार कितना है 12 और करण कितना है 13, टेन की बात करेंगे लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 12, सभी वैल्यू पुट करनी है, करण कितना है 13 और लंब कितना है 5, सीकेंट थीटा तो निकाल ही रखा है हमने, दे ही रखा है हमें, और कोट की बात करेंगे आधार कितना है 12 और लंब लेना है तो लंब कितना है 5। ये हमारे साइन की वैल्यू, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, साइन की वैल्यू आ गई, कोस 10, कोस सेकेंट और कोट की सभी की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 5 पूरे होते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन और परिचय भाग इसमें करवा दिया है, आगे वाले वीडियो के साथ मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।